अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अलीम फ्राम स्किल्स अकेडमी। आज की वीडियो में हम सीखेंगे एक्सटर्नल 301 के बारे में। तो इसके लिए आपको चाहिए होगा स्क्रीमिंग फ्रॉग, और दूसरा तरीका ये है कि आप लिंक चेकर प्लगइन इंस्टॉल कर सकते हैं। प्लगइन इंस्टॉल करने के लिए ऐड न्यू में जाएंगे। यहाँ पे लिखेंगे लिंक चेकर। तो फर्स्ट वन को इंस्टॉल करेंगे, उसके बाद जाएंगे टूल्स में और यहाँ पे ब्रोकन लिंक्स। तो ये चेक करने में कुछ घंटे लगाएगा। उसके बाद स्क्रीमिंग फ्रॉग, तो स्क्रीमिंग फ्रॉग ओपन करेंगे, वेबसाइट का लिंक कॉपी करेंगे, उसके बाद इसमें पेस्ट कर यहाँ से स्टार्ट। तो ये 10 मिनट लगाएगा क्रॉल में। क्रॉल कंप्लीट होने के बाद आप जाएंगे एक्सटर्नल में, यहाँ से सॉर्ट करेंगे बाय स्टेटस कोड। तो ये आप देख सकते हैं 301। यहाँ से आप इन लिंक्स ओपन करेंगे, तो ये इन पेजेस से लिंक हो रहा है, तो इन्हें ओपन करते हैं। उसके बाद इसे भी ओपन करते हैं। लिंक को कॉपी करेंगे, उसके बाद जाएंगे डैशबोर्ड में और हमारा लिंक आवर टीम में है, तो आवर टीम ओपन करेंगे यहाँ से। हलीम इकबाल, और यहाँ पे इसे पेस्ट करके फिर अपडेट कर देंगे। अगर आपको पता ना चले कि ये लिंक कहाँ पे है, तो आप ये फ्रॉम वाले यूआरएल को कॉपी करें और उसके बाद राइट क्लिक इंस्पेक्ट, फिर इस यूआरएल को कॉपी करें, उसके बाद कंट्रोल एफ और यहाँ पे पेस्ट कर दें। तो ये आपको ये हाईलाइट करके दिखाएगा कि ये यूआरएल कहाँ पे है। तो आप देख सकते हैं ये हमें यहाँ पे बता रहा है। उसके अलावा जो लिंक चेकर प्लगइन होता है, उसके अंदर ऑप्शन होता है रीडायरेक्ट्स को फिक्स करने का। वो रीडायरेक्ट को ऐड करके फाइनल यूआरएल एंटर कर देता है। उसके अलावा जो 404 होते हैं, उनको आप अनलिंक कर सकते हैं। तो वीडियो देखने का शुक्रिया। उम्मीद है आपको कॉन्सेप्ट की समझ आ गई होगी।